सुनो, मैके जाना पड़ेगा मुझे। 4 दिन लग जाएंगे वापस आने में। मेरे पीठ पीछे कुछ गड़बड़ की ना तो समझ लेना। समझ गया। क्या समझ गए? यही कि जीने के है 4 दिन। मोदी जी, हम लड़कियां आपसे बहुत नाराज हैं। अरे क्या हुआ लड़कियां? एक ही तो नोट था पिंक कलर का, वो भी आपने बंद कर दिया। और भाभी जी, इस बार किसको दोगी? मैं अपने पति को दूंगी। अरे भाभी जी, मैं वोट की बात कर रहा हूँ। अरे हराम खोर, मैं भी वोट की बात कर रही हूँ। इस बार मेरे पति भी इलेक्शन में खड़े हैं। एक आदमी बर्तन मांज रहा था, तभी उसकी पड़ोसन उसके पास आई और उससे बोली, भाई साहब मेरे भी बर्तन धो दोगे? हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल धो दूंगा। अच्छा, और मेहनताना क्या लोगे? अरे बहन जी, अब आपसे क्या मोल भाव करना, जो बीवी देती है वही तुम भी दे देना। चल तो रहे हो मेरे मायके, पर वहाँ लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है क्या, जो रोज महाभारत करती हो? भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है। एक्सक्यूज मी, आप टिकटॉक बनाते हो ना? हाँ जी। मैं लाइक करता हूँ। थैंक यू। वीडियोस को नहीं, आपको। तुमसे मिलके दिल का। पप्पू बेटा, एक बात बताओ, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आए? मैडम जी, मेरे पास ना एक ही चड्डी है और वो मेरी मम्मी ने धो दी थी, इसीलिए मैं 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। अच्छा, कल क्यों नहीं आए थे बेटा? मैडम जी, कल तो मैं स्कूल आने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में आपके घर के बाहर मैंने देखा कि आपकी चड्डी सूख रही है, तो मुझे लगा क्या पता आप भी स्कूल ना आई हो, इसलिए मैं वापस लौट गया। तुम सुबह कब उठती हो? हम कभी उठते नहीं, हमको जबरदस्ती उठाया जाता है। सुनो। हाँ। अगर मैं मर जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी मर जाऊंगा। पर क्यों? अरे तेरे चक्कर में उधारी बहुत हो गई है।